This is the lumbar vertebra. And this is the vertebral foramen. The vertebral foramen of lumbar vertebra is triangular, and in this vertebral foramen the spinal cord is running. Okay, this is the body which is kidney shaped, and this is the spine of lumbar vertebra. Now this is the ilium, hip bone. This part is the iliac fossa of the hip bone. In this iliac fossa, muscle which is present is the iliacus. This is the right side and this is the left side. In left side, this is right. This is right and this is left. In left, we see the abdominal aorta. Abdominal aorta at level of L4 lumbar vertebra. Matlab, this vertebra is L4 vertebra. At the level of L4 vertebra, this abdominal aorta divide into two. Right common iliac and the left. This is the left common iliac artery. This is the right common iliac artery. Common iliac right artery bifurcate into two. External iliac artery and the internal iliac artery. External iliac artery passes below the inguinal ligament. Inguinal ligament के नीचे से जाती है और फिर बना लेती है femoral artery. So this is the femoral vein because this is the vein and this is the artery. This is the artery because its lumen is narrow and diameter is circular. Wall is thicker. This is the internal iliac artery. This is internal iliac artery. Internal iliac will supply the pelvic region. ठीक है. Now we will study the rectus sheath. So here we can see that this is the umbilicus. This muscle is the rectus abdominis muscle. Rectus abdominis is covered by the rectus sheath. Rectus sheath is formed by the muscle, flat muscle, external oblique muscle, internal oblique muscle, and the transverse abdominis muscle. We have to identify one line. This is the arcuate line. Arcuate line is the imaginary line below which rectus sheath is formed by the external oblique. This is the rectus abdominis muscle. External oblique आएगी ऊपर से चली जाएगी, internal oblique भी ऊपर से, transverse abdominis भी ऊपर से, नीचे बस fascia, transverse ellis बचे हैं. This is below the arcuate line. आर्कुइट लाइन के ऊपर क्या अरेंजमेंट होता है देखो, ये शीत आप आइडेंटिफाई करो. दिस इज द रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, दिस इज द शीत, दिस एंड दिस पार्ट, दिस इज द रेक्टस शीत. ठीक है, रेक्टस शीत कवर्स नॉट ओनली रेक्टस एब्डोमिनिस बट इज ऑल्सो कवर्स द पिरामिड वेलस. ठीक है, अब ये हो गया. नाउ वी विल स्टडी द पेल्विक पेरिनियम. हाँ, पेरिनियम पढ़ेंगे या मतलब पेल्विक आउटलेट पढ़ेंगे. पेल्विक आउटलेट से ही पेरिनियम बोलते हैं. ठीक है, तो पेल्विक आउटलेट इज मेनली फॉर्म हुआ है टू ट्राइंगल्स. अपन को पढ़ना है, पहले आउटलेट को देखते हैं कैसे बन रहा है. हियर आ जाएगा ना इंटीरियरली वाला प्यूबिक सिम्फाइसिस. इधर से पीछे होता है कोसिक्स और सैक्रम, ये साइड में होते हैं. तो इलियक ट्यूबरोसिटी, स्टियल ट्यूबरोसिटी. व्हेन वी आर स्टडीिंग द पेल्विक आउटलेट, पेल्विक आउटलेट से पेरिनियम बोलते हैं. पेल्विक आउटलेट कैसे बनता है, पीछे है सैक्रम एंड द कोसिक्स. तो जो इधर है ये दो स्टियल ट्यूबरोसिटी, आगे की साइड होगा प्यूबिक सिम्फाइसिस. ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, दो स्टियल ट्यूबरोसिटी, पीछे सैक्रम एंड कोसिक्स. ठीक है, अब दो स्केल ट्यूबरोसिटी को अगर मैं जोड़ देता हूँ ऐसे, और ये जो एनल ओपनिंग होगी ये पीछे होगी इसके, ऐसे अगर मैंने दो स्केल ट्यूबरोसिटीज को जोड़ दिया. चलो आगे यूरोजेनाइटिक ट्रायंगल के पीछे एनल, ये जो दो स्केल ट्यूबरोसिटीज को जोड़ा है मैंने और एनल ओपनिंग पीछे है, तो ये जो ट्राइंगल बनेगा, दिस इज द एनल ट्राइंगल. एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस, दो स्केल ट्यूबरोसिटी को जोड़ा है और आगे ये प्यूबिक बोन का पार्ट आएगा. दिस इज द यूरोजेनाइटल ट्राइंगल. एनल ट्राइंगल कैसे बन रहा है, दो स्टियल ट्यूबरोसिटी है, एक लाइन इधर से जुड़ रहा है और सैक्रम को स्टियल ट्यूबरोसिटी से दो लेगामेंट कनेक्ट करते हैं. दीस लेगामेंट्स आर द सैक्रोट्यूबरस लेगामेंट. ठीक है, ट्यूबरोसिटी और सैक्रम के बीच में दिस सैक्रोट्यूबरस लेगामेंट, इधर होंगे सैक्रोट्यूबरस, ये एनल ओपनिंग है. अब एनल ओपनिंग के बाद और इधर यूरेथ्रल ओपनिंग होगी, ये यूरेथ्रा इसमें ओपन हो रहा है, तो इधर यूरेथ्रल ओपनिंग में मान सकता हूँ. ठीक है, तो एनल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग और इसके बीच में एक पॉइंट होता है, दिस पॉइंट इज द पेरिनियल बॉडी. पेरिनियल बॉडी पे 10 मसल का अटैचमेंट होता है, दो ऐसी होती हैं, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, फिर इनके नीचे मिलती है डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल. ठीक है,